बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अर्तुरुल और ताकतवर हो चुका है, ये बात आप भी जानते हैं। इस वक्त उससे लड़ना बेवकूफी होगी। उससे हम लोग नहीं लड़ेंगे, हमारा नया इत्तेहादी लड़ेगा। कौन? बेबुलात। अलंजक तक पहुंचने का कोई रास्ता न मिला तो किसी ऐसे करीबी शख्स का सहारा लेना पड़ेगा जो हमें अलंजक तक पहुंचा दे। मेरी नजर में इस काम के लिए एक ही शख्स है बमसी, और वो है बेबुलात। हाँ, मैं तुम्हें असल ड्रेको से मिलवाने आया हूं। बाबा को कत्ल तुमने किया और मैं इसी वक्त तुम्हारी जान ले लूंगा। वो अलबास्ती जो उनके कबीले में ना कर सका वो हमारे कबीले में कर गया। कुंदोगतु भाई को पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पर? अल्लाह हिफाजत फरमाए। अर्तुरुल सिर्फ यही नहीं रुका, वो अलंजक को घुटनों पर ले आया और वो मनसब भी हासिल कर लिया जिसके तुम हकदार थे। लेकिन अब अर्तुरुल को रोकने का वक्त आ गया है। ताजियत कबूल कीजिए, यह वक्त आपस में मुत्तहिद रहने का है, इसी में सबकी भलाई है। बाजी और मैं आप लोगों के लिए खाना लाए हैं। बेबुलात के साथ मुआहिदा कर लिया है, वो तमाम तुर्क कबाइल से हमारी हिफाजत के लिए राजी हो चुका है। मैं ये मौका जाया नहीं करना चाहता। अर्तुरुल आज इस किले में आएगा और मारा जाएगा। लेकिन वो मुखबर अब अलंजक के पास है, अगर उसने जबान खोल दी तो जल्द या बदेर हमारा इत्तेहाद सामने आ जाएगा और ये मालूम होते ही अलंजक तबाह कर देगा यह किला। माशाल्लाह हफ्सा खातून, आप बहुत मेहनती हैं। आप महल में पली बड़ी हैं, इस कबीले में नहीं, इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। जब कबीले आई थी तब मैं प्याज भी काट नहीं पाती थी। शुक्र है वालिदा की सोबत नसीब हुई मुझे। हर शख्स में खूबियां होती हैं, अगर इंसान मेहनत करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी सोहबत में रह रहा है। हाइमा खानम ने आपकी काबिलियत देखी और बस। यखनी तैयार हो गई होगी, मैं देखकर आती हूँ, जरा आप यहाँ ध्यान रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मेरे लिए आसानी कर दी। शुक्रिया हफ्सा खातून। लाइए मैं देखूँ। जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल बिलगे खातून, क्या हमने नमक नहीं डाला था इसमें?
शायद जल्दी में भूल गई मैं। रुके, अभी लेकर आती हूँ मैं। मेहमानों को बेजायका खाना तो नहीं दे सकते ना। इतना नमक ज्यादा नहीं हो जाएगा अफसा खातून? जी काफी है इलबिलगे खातून, मैं एक बार पहले भी इस देख में बना चुकी हूँ, इतना नमक काफी था। आप दोनों ने आपस में फौरन बातें शुरू कर दी, गोश्त काटते काटते हाथ थक गए हैं मेरे। अब आप लोग काटिए, मैं देख लेती हूँ यखनी। ठीक है सरमा खातून। लेकिन इसे हिलाती रहिएगा, कहीं चल ना जाए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस यखनी का जायका दोबाला हो जाएगा। तुमने फिर खुद को मेरी तलवार से बचा लिया अर्तुरुल। अगर अर्तुरुल की फिर से ये कोई चाल हुई तो ये मकतूब, अगर ये जारी हुआ तो उसने जो कहा सच था सब कुछ, यकीन है मुझे। आपको उसकी बातों पर यकीन क्यों है जनाब? इस बात का कोई जवाब नहीं कि वो इतना बड़ा खेल खेले उरानूस। वो सलाहियत रखता है कि बेबुलात पर खुद हमला कर दे, मगर वो ये खुद करने के बजाय उससे हमारे जरिए फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि ये सच है कि अर्तुरुल को अलंजक चाहिए। और बेबुलात, उसके साथ जो हमने इत्तेहाद किया है उसका क्या होगा? वो अर्तुरुल के साथ इत्तेहाद की तरह बरकरार ही रखेंगे। हम एक साथ उन दोनों को कैसे संभालेंगे जनाब? जिस तरह मैंने सांकूच और ट्रेगोस को मुतावासी रखा है, बिल्कुल उसी तरह। बेबुलात काबिल एतबार नहीं है। उसने कहा कि वो हमारे साथ है, लेकिन अलंजक के बारे में कुछ नहीं बताया। हर शख्स अपने मफाद के लिए झूठ बोलता है उरानूस। अलंजक का खतरा जब तक अर्तुरुल दूर ना कर दे कोई रास्ता नहीं, इसलिए मैं अर्तुरुल की मदद करना चाहता हूं। उस जासूस को छुड़ाने में हम उसकी मदद करेंगे। दूसरी जानिब अलंजक का खात्मा अर्तुरुल करेगा, जो हमारे लिए मुफीद साबित होगा, और हम दूर से उन दोनों को एक दूसरे को मारते हुए देखेंगे। बेपुलाद को हम एक मकतूब लिखेंगे और उसे सब बता देंगे। इंशाअल्लाह वो वैसे ही चाल चलेंगे जैसा आपने उन्हें करने के लिए कहा है। जो मैंने कहा है अगर वो कर लें तो काफी है, क्योंकि ये एक ऐसा मंसूबा है जो बेबोलाद के साथ इस जाल में अलंजक को भी फंसा देगा। इंशाअल्लाह, लेकिन क्या हम बेबोलाद का भी पीछा करेंगे भाई? अगर हमारे दुश्मनों की तरफ से कोई गलती हुई तो हमें सुराग लगाने में आसानी होगी। अलंजक और बेबोलाद बहुत मोहतात होंगे कि उनका सुराग किसी को भी ना मिले। बमसी, एक छोटी सी गलती से भी मार्किन की जान जा सकती है, उसे बचाना हमारे लिए अहम है। पहले मार्किन को उन जालिमों से बचाएंगे और फिर
उस अलंजक और उसके साथ ही अलबास्ती को जहन्नम वासिल करेंगे। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। चालीस दांतों वाली आतिश माँ, उनके लिए जो खुशकिस्मत है और जो बदकिस्मत है, मुकद्दस आतिश, टूटी फूटी रूह का हामिल एक गद्दार तेरे हवाले करता हूं मैं। ये आग जानते हो ना क्या कर सकती है? तुम जैसों को जहन्नुम में जला सकती है। मुसलमान होकर पुराने मजहब को बुला बैठे तुम। आग तुम जैसे नापाक लोगों के अंदर के शैतान को जलाती है, तुम्हारे दिल पर मुसल्लत बदरू को निकाल बाहर करती है, शैतान को बाहर निकाल कर तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप में ले आती है। अब जो जानते हो सब बता दो। ये आग सिर्फ मेरे वजूद को जला सकती है अलंजक, मेरी पाकीज़ा रूह को हरगिज नहीं। थोड़ी ही देर में ये आग भड़कना शुरू हो जाएगी और तुम्हें पाकीज़ा कर देगी। नीचे करो। बताओ अब तुम्हारी रूह पाक हुई कि नहीं? मेरी रूह फौलाद जैसी है अलंजक, आग में और मजबूत हो जाती है। सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली आग, मैं तुम्हें एक गद्दार के खून का तोहफा देता हूँ। दूर कर दो इस बदबख्त की नापाकी। तुम्हारा खून खुश नहीं होने दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें मारता जाऊंगा और तुम सब बताते जाओगे। जब तक इसकी रूह पाक नहीं हो जाती, आग में जलाते रहो इसे। Ah!
खाना तैयार हो गया अफसा खातून? जी बिल्कुल सलजान खातून, इंशाल्लाह बहुत लजीज होगा। हल्की आंच पर रखा है ताकि गर्म रहे। अफसा खातून ने पूरी महारत से तैयार किया है, यकीनन सब लोग मुतमईन होंगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अफसा खातून ये क्या है, क्या इस तरह का खाना पेश करेंगे हम लोग? क्या हुआ सलजान खातून, ये तो काफी लजीज है। लजीज है? ये खाना तो किसी जानवर के आगे डाल दो तो वो भी इसे मुंह न लगा। ये क्या मजाक किया तुमने? ये क्या कह रही है सलजान खातून, मैं तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी बस। मैंने ये इसलिए किया ताकि आप थकन का शिकार ना हो। तुम सिर्फ मेरे बेटे की आखिरी रस्मात को खराब करना चाहती हो और कुछ नहीं। आप ऐसे नाराज ना हो सलजान खातून, जल्द दूसरा तैयार कर देती हूँ मैं, बिल्कुल भी परेशान मत हो। नहीं चाहिए, मैं खुद बना लूंगी ये खाना। जाहिर तुम गुस्से में आकर फिर सब कुछ खराब कर दोगी। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, खुद कर लूंगी सब कुछ। मैं भला ये जानबूझकर क्यों करूंगी, और सारी खवातीन ने देखा था, मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। ये सब हमारी ही गलती है, हमने एक ऐसी खातून के सुपुर्द ये काम किया जो अपनी घर की पतीले तक में खाना नहीं बना सकती तो इसको कैसे बनाती। सलजान खातून यकीन कीजिए मेरी कोई गलती नहीं है। वहाँ लोग बैठे खाने का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग मेरे बेटे के जनाजे में शरीक होने आए थे। क्या कहेंगे वो, शुक्र करो कि मैंने ये खाना तुम्हारे सर पे नहीं उड़ेल दिया। जमींदार की बेटी पे भरोसा करने का ये नतीजा तो निकल नहीं था। चली जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। सलजान खातून चली जाओ, मेरे लिए मेरा दर्द ही काफी है। चली जाओ। आप दुखी मत हो सलजान खातून, मैंने और बाजी ने उन्हें समझाया भी था कि नमक ज्यादा हो जाएगा। मुझे यकीन है कि ड्रैगोस ने सच कहा था कमांडर अलंजम, अगर उसकी बात सुन लेते तो मालूम हो जाता कि खान ने मक्तूब में क्या लिखा था, और यह भी मालूम हो जाता कि कैकोवस कहां छुपा है। हमारे अजदाद ने कहा है कि कभी किसी के जाहिर से धोखा ना खाना। अक्सर लोग जाहिर में खुशामदीद और दिल में अलविदा कहते हैं, अगर उसका मशवरा झूठ पर मबनी हुआ तो मैं उसका सर साउथ में लटका दूंगा और तुम्हारा भी बेबोलात। ये शख्स हम में से है इसलिए कभी नहीं बोलेगा। इससे ज्यादा मजबूत आसाब का मालिक जिंदगी में नहीं देखा। ड्रैगोस क्या कहता है मुझे जानना है, अगर ये उसकी कोई चाल हुई तो मेरे हिफाजत इकदाम उससे कहीं ज्यादा हैं, और अगर उसकी वजह से मैं शिकार पर नहीं जा सका तो फिर ड्रैगोस ही मेरा शिकार होगा। अब जाओ, जो कहा वो लिखो, अगर उसने कोई खेल खेला तो वो जान जाएगा मैं क्या कर सकता हूँ।
मैं जानती हूं कि आप मसरूफ होंगे, लेकिन एक उलझन में हूं मैं। कहिए सलजान खातून। सवाल के लिए माजरा चाहती हूं। अलंजक के सुलहनामे का क्या हुआ? गुंदोगतों को भेजने का कोई इंतजाम किया? आप बिल्कुल फिक्र न करें भाभी, मैंने भाई को भिजवा दिया है सुलहनामा। बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएगा। भाई इस मुसीबत से आजाद हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और अलबास्ती, क्या उसका कोई सुराग मिला? हम सिर्फ उसका नाम जानते हैं, उसका ठिकाना कहाँ है कुछ नहीं मालूम। वो सामने आके वार नहीं करता, किसी भी वक्त जाहिर होता है और चारों तरफ मौत फैला देता है, फिर अचानक से कहीं गायब हो जाता है। मुझ में और दुख सहने की हिम्मत नहीं बची अर्तुरल। वो काफी अरसा छुप चुका है, लेकिन बहुत जल्द वो सबके सामने होगा। अलबास्ती नामी ये सांप अपना कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ेगा और हम उस तक पहुंच जाएंगे। दुश्मन चाहे कितना ही होशियार क्यों ना हो, अपना कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। आएगा वो वक्त जब उस जहरीले सांप को कुचल डालूंगा मैं। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा। अच्छा तो ये बात है। ये तो अभी एक छोटी सी चिंगारी है भाई। छोटी सी, मगर मैं काई कबीले में भड़कती हुई आग देखने का ख्वाहिशमंद हूँ मेरी बहन। शुरुआत कर दी है मैंने, बिल्कुल आपके हुक्म के मुताबिक। बहुत जल्द काई कबीला जलकर राख हो जाएगा। तुम ही मेरी वफादार बहन हो, अपनी इसी खूबी की वजह से बहुत खास हो मेरे लिए। आपका एतबार कायम रहे ये मेरी पूरी कोशिश है भाई। काई कबीले वालों ने इब्तदाई फतूहात के बाद अपना मकाम खो दिया। सरदार आला का मनसब मिलने के बाद वो मुतमईन हो गए हैं और यही बेहतरीन वक्त है खेल खेलने का। बिल्कुल बेफिक्र रहे आप भाई। तुम हफ्सा को और हफ्सा बमसी को भड़काती रहेगी। अगर अर्तुरुल और सिपाह सालार बमसी के बीच फासला बढ़ गया तो फिर ये दुश्मनी पहाड़ बनकर टूट पड़ेगी काई कबीले पर। यकीनन ऐसा ही होगा भाई। इन लोगों को इनकी औकात याद दिलाने के लिए इससे बेहतर कोई चाल नहीं। जब हम इन्हें शेर की तरह चीर फाड़ देंगे तब ये जानेंगे कि उमूर उलार की ताकत क्या है। क्या हुआ तुम्हें? बमसी, ये कोई एक दो बार की बात नहीं है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अफसा, तुम अपने बमसी को बताओ क्या बात है। सजान खातून, वो मुझे पसंद नहीं करती है। वो एक सरदार की जौजा है और अपनी हैसियत जानती हूँ मैं, लेकिन मैं एक जमींदार की बेटी हूँ, इसलिए वो मेरी बेइज्जती करती है। अफसा, वो दुखी है, अपनी गलती सुधार लेंगी वो। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, सब्र से काम लो अफसा। बमसी, उन्हें समझती हूँ, दर्द भी जानती हूँ, सब्र भी करती हूँ मैं, लेकिन वो मुझे नहीं समझती। मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की, बदले में बेइज्जती कर दी मेरी।
अफसा, अगर तुम आज इतना ज्यादा दुखी हो रही हो तो यकीनन कोई बड़ी ही बात होगी। मुझे बताओ क्या कहा है, सुनना चाहता हूं मैं। कुछ नहीं छोड़ा बंसी, सुलेमान की ताजियत के लिए आने वाले लोगों के लिए जो खाना बनाया था उसमें नमक ज्यादा हो गया था। सलजान खातून को मैंने कहा भी कि मैं दूसरा बना देती हूँ, लेकिन उन्होंने सबके सामने मुझे वहाँ से निकाल दिया। बहुत हो गया बमसी, किसी दुश्मन की बुराई नहीं, दोस्त का जुल्म जानलेवा होता है। हर किसी की अपनी एक इज्जत होती है, मकाम होता है, लेकिन उनके अल्फाज से पहाड़ भी टूट जाते हैं। कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं? सलजान खातून को तुम नहीं जानती हो अफसा। एक वक्त था जब सुलेमान शाह और अर्तुरुल भाई की जिंदगी अजीरन करती थी, यहां तक कि अर्तुरुल भाई के कत्ल की भी कोशिश की थी, लेकिन अब वो बदल चुकी है। आज वो हालत गम में है, यकीनन बहुत जल्द सब बेहतर हो जाएगा, मगर कुछ वक्त कोशिश करो उनसे दूर रहो, इस तरह वो तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकेंगी। कौन है आप? तुम्हारा दादा सुलेमान शाह। रुक जाओ, तुम्हें इसके करीब आने के लिए कुछ बातें समझना होंगी। बहुत दुश्वार है हुक्मरानी का रास्ता, हिकमत जाने बगैर हुकूमत नहीं की जाती। इसकी क्या हिकमत है दादा, और इस आग का क्या मतलब है? इसका मतलब रियासत है उस्मान। ये उस पौधे की मानिंद है जिसे तुमने अगर अपने खून और ईमान से नहीं सींचा तो ये मुरझा जाएगा। और इस तलवार की क्या हिकमत है दादा?
तलवार ताकत है उस्मान, जालिम का सर काटने के लिए और मजलूम की हिफाजत करने के लिए। ये एक निशानी है, पूरी दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करने की निशानी है। अगर तुम इसकी हिकमत और ताकत पे दस्तरस हासिल कर लोगे तो तुम्हें इस मकाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे पास ये मकाम खुद चल कर आएगा। मेरे दादा की यादगार तलवार, हमारा कबीला और हमारा ये औताक, लोगों के लिए ताकत और साया है। खैरियत तो है? क्या कर रहे हो तुम यहां? मुझे नींद नहीं आ रही थी बाबा। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैंने ख्वाब देखा और मेरी नींद उड़ गई। ख्वाब? मुझे बताओ तुमने क्या देखा। ख्वाब में मैं नींद से जागा, औताक में कोई नहीं था तो मैं अंदर आ गया। एक ताकतवर आदमी तख्त पर बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि कौन है आप, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा दादा सुलेमान शाह हूँ। वो पहाड़ जैसे ऊंचे थे बाबा, उन्हें देखकर तो मैं डर गया था। उन्होंने मुझे तलवार की हिकमत का बताया। कोई ताकत मुझे तख्त की जानिब खींच रही थी। मैंने जाने की कोशिश की
लेकिन अचानक आग भड़क उठी। दादा ने कहा अगर तुम्हारे पास हिकमत होगी तो ये तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा। फिर मैं जाग गया और यहाँ आ गया। मैं बस सुलेमान शाह की तरह इस तख्त पर बैठना चाहता था। ये सब क्या था बाबा? अगर वही किया जो मैंने कहा है तो अलंजक की तलवार खुद ही उसके हाथों से गिर पड़ेगी। मेरे पास खानों के खान हलाकू खान का मक्तूब है। रुक जाओ, तुम भी मेरे साथ आओ अलबास्ती। जहां तक मैंने सुना है उनके आने से पहले खवातीन की सरबरा आप थी। हसद तो नहीं करती वो आपसे? जब हम नजरों से दूर हो जाएं तो हमला कर देना बमसी। लड़ते वक्त उनकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज रखना। इस मुकाबले को उस वक्त तक तूल दोगे जब तक हम मागिन को बचा न लें। तो तुम्हें जासूसी के लिए हमारे पास अर्तुरल ने नहीं भेजा और तुम अर्तुरल के बारे में जानते भी नहीं, फिर ये क्या है? अर्तुरल के पास हलाकू खान का मकतूब कैसे पहुंचा?